हेलो फ्रेंड्स, लव लाइक गार्डन में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी गार्डनिंग? फ्रेंड्स, गार्डन में आप देखते हैं बहुत सारे फ्लावरिंग इस टाइम हो रही है, ढेरों ढेरों फूल खिल रहे हैं। तो इसका क्या राज है? इसका सेम हम वही राज कह सकते हैं कि हम ऑर्गेनिक खाद बनाते रहते हैं, जो कि सॉलिड और लिक्विड देते रहते हैं, और इनको अपने प्लांट्स में जब डालते हैं तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आते हैं कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो इतना भर भर के फ्लावरिंग करते हैं। अक्सर आप पूछते हैं कि प्लांट्स को कौन सा फर्टिलाइज़र देते हो, तो देखिए आज जो फर्टिलाइज़र बना रही हूँ सिर्फ दो चीज़ों से बनाऊंगी और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और आप अगर इसका यूज़ करते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसका रिज़ल्ट हमें बहुत ही बढ़िया मिलता है अपने प्लांट्स पर, और इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलता है एक तरह से, और काफ़ी सस्ता बिल्कुल फ्री का एक तरह से है। और आप सभी बनाइए, आपके जो विंटर है इनको यूज़ करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। बिना सोचे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और पूरे साल में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विंटर में बेझिझक, क्योंकि ये गर्म फर्टिलाइज़र है और बहुत ही अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए, जैसे कि वीडियो भी बहुत लंबा ना हो। तो मैं आपको दिखा रही हूँ एक लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं अपने प्लांट्स को देती रहती हूँ और आज भी बनाकर मुझे देना है। तो चलिए कैसे बनेगा दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिया है लगभग 1 से 1.5 लीटर पानी, सादा पानी है, और इसमें हम डालेंगे, देखिए ये है कंडे या उपले या आप जो भी कहते हो, इनको मैंने तोड़ लिया है और इस जो वेस्ट वाले हमारे जो ये थैले होते हैं इनमें डाल लिया है। ये सभी को मिल जाते हैं, तो इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फर्टिलाइज़र को। और यही चीज़ मैंने पहले भी दिखाई है, आप इस तरह से यूज़ करते हैं तो हमारे छानने वगैरह का सारा झंझट खत्म और इंस्टेंट तैयार हो जाता है। मतलब हमें कुछ भी झंझट नहीं करना है, बहुत ईजिली हम इसको प्लांट्स पर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंडे हैं, तो गोबर के कंडे जो होते हैं वो हैं, तो सभी जानते हैं गोबर की जो खाद होती है उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है और हर तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो सीधा सीधा प्लांट्स पर हमारे हर तरह के फ़ायदे पहुँचते हैं जो कि गोबर की खाद में होते हैं। फर्टिलाइज़र के रूप में ये बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, हमारी राख। राख को सभी जानते हैं, जो भी गार्डनर हैं उनको अगर नहीं मालूम है तो आप इसका विंटर में बहुत ही बढ़िया यूज़ कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं। राख में, राख मिट्टी को अल्कलाइन करती है और इसका पीएच लेवल 8 से 12% होता है। राख में पोटाश पाया जाता है फ्रेंड्स, पोटेशियम का ये बहुत बढ़िया स्रोत है राख। तो हमें अपने जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ना फ्रेंड्स, जिनमें इस तरह से फ्लावरिंग भर भर कर होनी है, उनको अगर हम पोटेशियम नहीं देंगे तो वो फ्लावरिंग नहीं करते हैं। तो पोटेशियम की अच्छी स्रोत है राख, जो कि हमें फ्री में अवेलेबल होती है। आजकल हम लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा विंटर में ठंड लगती है तो हम अलाव वगैरह जलाते हैं, तो बाद में बचती है राख, इसको छान लिया है और बस ले लिया है। तो कितना ईजी है और ईजी टू अवेलेबल भी है, तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम राख में पाया जाता है, तो इतनी सारे गुण हैं जब राख में, तो आप क्यों नहीं इसका यूज़ करेंगे। राख एक गर्म फर्टिलाइज़र को भी बनाएगी, जो यहाँ हम विंटर में इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह फ्रेंड्स हम गर्मियों में शिकंजी पी रहे हैं और विंटर में नहीं पीते हैं नींबू पानी, उसी तरह प्लांट्स को भी आप ठंडे फर्टिलाइज़र अभी नहीं देंगे, गर्म देंगे। और ये दोनों ही चीज़ें गर्म होती हैं, जो कि विंटर में हमारे प्लांट्स की जड़ों को बहुत ही बढ़िया रूट इनकी मेंटेन करेंगी, रूट डेवलप करेंगी। प्लांट्स को मैंने बताया पोटेशियम होता है दोनों में, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए अब मैं दिखाती हूँ कि कैसे मैं इसको बनाऊँगी। तो दोनों के फ़ायदे मैंने आपको बता दिए, तो पानी में बस इसको आपको डिप कर देना है और इसी में मैंने ये जो राख ली है, और फ्रेंड्स अपने जो प्लांट्स है उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। लगभग 2 कंडे भी हम कहते हैं उपले, 2 उपले मैंने लिए, उनको तोड़ लिया है और इस तरह से इसमें डालकर इसी में मैं ये पूरी राख डाल रही हूँ। फ्रेंड्स इतने सारे प्लांट के हिसाब से मैंने इतनी राख ली है, लगभग 1 कटोरी आप ले सकते हैं। तो जैसा भी आपके प्लांट हो उस पर ही ये बात डिपेंड करेगी कि आप कितना लेते हैं। और उसके बाद एक डंडी की सहायता से मैं इसको अंदर डिप कर रही हूँ इस तरह से। अभी मैं इसको गांठ बांधूंगी और उसके बाद ये अंदर डिप रहेगा। इस तरह से इनको डिप करके आप, यहाँ पर एक पत्थर का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, कोई भी आप पत्थर लीजिए और इस तरह से वेट अगर आप रख देंगे तो ये ऊपर नहीं आएगा, और इसको इस तरह छोड़ दीजिए। इसको किसी भी चीज़ से आप ढक कर लगभग 4-5 दिन रख दीजिए, क्योंकि विंटर में बहुत ज़्यादा ये पानी ठंडा होता है, तो इसके जो पानी में जितना भी इसका आना है तत्व, वो आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आप इसको इस तरह से रख दीजिए डिप करके 4 से 5 दिन। 4 से 5 दिन के बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी ये बना नहीं है। तो यहाँ पर लेना है 3 भाग हमें पानी का लेना है, और लगभग इसका
और जितना आप देख रहे हैं इसमें जगह है तो एक भाग हमें ये फर्टिलाइज़र लेना है, इस तरह से मिला लेना है। तो रेशो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं अभी प्लांट्स पर नहीं दूंगी। किसी भी प्लांट्स पर गुड़ाई करके मैंने बहुत बार दिखाया है, तो इस तरह से गुड़ाई कर लेंगे प्लांट्स की। और इनको जैसा भी आपका प्लांट हो तो उस तरह से, बस अभी तो ये पानी मैं आपको दिखा रही हूँ, बस इस तरह से जैसा भी आपका प्लांट पानी लेगा उसको बस डाल देना है। तो अभी मैं डालने के लिए इस तरह से आपको इसको यूज़ करना है। तो इसके सारे फ़ायदे मैंने बता दिए और कितनी जल्दी इजी टू अवेलेबल, बनाना भी बहुत ईजी है। और इस तरह से इसको अंदर ही आप कोशिश करिए डिप रहे, और अभी से देखिए पानी का रंग चेंज हो गया है। ये फर्टिलाइज़र आपका 3 से 4 दिन में बन जाएगा, और ज़्यादा ज़्यादा है तो फ्रेंड्स 5 दिन भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको छानना भी नहीं है, क्योंकि मैंने एक पैकेट का यूज़ किया है। आप पैकेट को साइड में करेंगे जब ये बन जाएगा, और पैकेट को आप फिर इसका जो अंदर काउ डंक है इसको आप सुखा कर अपने किचन वेस्ट में मिला दीजिए, आपका किचन वेस्ट भी बहुत बढ़िया रिच बनेगा। और ये जो पानी है इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे मैंने बताया 3 भाग पानी लेकर 1 भाग फर्टिलाइज़र लेकर अपने सभी प्लांट्स को दे सकते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया आपका नाइट्रोजन और पोटेशियम, मैग्नीशियम, सब कुछ अपने प्लांट को आपको मिलेगा, प्रोवाइड करेगा। फॉस्फोरस भी फ्रेंड्स पाया जाता है, मैग्नीशियम और राख में तो बिल्कुल पाया ही जाता है, हम सभी को पता है। बहुत बार मैंने दिखाया है कीटनाशक, एक कीटनाशक के रूप में भी इसका यूज़ होता है। फंगीसाइड जो पुराने मैंने अक्सर आपको दिखाया है, फंगस अक्सर लगता है, जैसे ये देखिए प्लांट्स पर मैं यूज़ करती हूँ इसका, तो फंगीसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं आप। राख तो बहुत तरीके से हमारे विंटर गार्डन में यूज़ होता है, गर्मियों में थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि मैंने बताया गर्म खाद का काम करती है, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए गर्मियों में। बाकी आप बेझिझक विंटर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, महीने में एक बार भी अगर आप ये फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं अपने प्लांट्स पर तो इनकी आपको जो सुंदरता है वो देखने लायक रहेगी, क्योंकि न्यू ब्रांचेस निकलती हैं। जब हमारे रूट्स को अच्छा हेल्दी फर्टिलाइज़र मिलता है, अच्छी खाद मिलती है, तो आपके प्लांट्स भी मैनी ब्रांचेस निकालते हैं, मैनी फ्लावरिंग होती है, और इसी तरह खूबसूरत आप भी अपना गार्डन बना सकते हैं। और फ्लावरिंग कराने के लिए आपको तरह तरह के रासायनिक खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। एक केमिकल खाद से हम यूज़ तो करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन हमें थोड़ा सा बचना चाहिए, उससे हमारी मिट्टी जो होती है वो ख़राब होती जाती है, उसकी क्वालिटी ख़राब होती जाती है। जबकि आप जब भी हम कोई ऑर्गेनिक खाद इस तरह की फर्टिलाइज़र बनाते हैं या सॉलिड में भी देते हैं, तो उससे हमारे प्लांट्स और हमारी मिट्टी बहुत ही अच्छी होती जाती है, रिच सॉइल होती जाती है। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा बहुत यूज़ करिए केमिकल खाद, मगर इस तरह के फटाफट बनने वाले। देखिए मैंने एक फर्टिलाइज़र आपसे शेयर किया है, आप इसको बनाइए, सिर्फ 2 चीज़ों का यूज़ करके आपका ये बन जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और अपने प्लांट को जरूर दीजिए ये फर्टिलाइज़र। सो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, खुश रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा स्वस्थ रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। बाय बाय।